तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्या पैसे देने से जॉब मिलती है, यानी कि जो कंसल्टेंसी होती है, फ्रेंचाइजी होती है, या किसी और के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या पैसे दे के जॉब मिलती है। ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, जितना भी कन्फ्यूजन और डाउट है आपका वो इसमें क्लियर हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक का जरूर देखते रहना, ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी बड़ी सिटी में आप जाओगे, लाइक मैं बात करूँ अगर दिल्ली, गुजरात, पुणे, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, या मतलब कहीं भी किसी भी सिटी में अगर आप जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको कंसल्टेंसी भी मिल जाएंगी, फ्रेंचाइजी मिल जाएंगी। अब बेसिकली क्या होता है कि कंसल्टेंसी जो होती है वो आपको कॉल करती हैं, आपका इंटरव्यू, नॉर्मली इंटरव्यू लिया और बोलते हैं आपसे 1000 चार्ज लगेगा, आपका 1500 चार्ज लगेगा, 2000 चार्ज लगेगा और आपका 100% प्लेसमेंट हो गया है। तो ऐसी जगह इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ना फंसें, वो बहुत ही मतलब 99% केसेस में फेक होती हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि फेक ये नहीं कि मतलब 99% फेक होती, तो 1% उसमें सही भी होती हैं। कई कंसल्टेंसी का ये अपना बिजनेस भी होता है कि पैसे लेके जॉब्स दिलवाती, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सारी कंसल्टेंसी फेक होती हैं, कई कंसल्टेंसी सही भी होती हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो ये तो एक प्राइवेट सेक्टर है तो इसमें भी हो जाते हैं, लेकिन अब देखना ये है कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, आप किस कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो फेक है और आपको फंसा दे, आपको बता दे कि मैं आईटी की जॉब दिलवाऊंगा और बाद में बोल दे कि आपका 2000 रुपये चार्ज लगा। तो आपको अभी फ़िलहाल में हमारे पास वीपीओ की वैकेंसी है, कॉल सेंटर की वैकेंसी है, तो आपको उसमें कर लो, फिर बाद में मूव करा देंगे। तो इस तरीके से बेसिकली वो फंसाना ही होता है, क्योंकि अपने को चाहिए होता है कोर फील्ड में जॉब, और वहाँ से कोर फील्ड में जॉब नहीं मिलती है और वहाँ से फिर हम लोग फंस के कि यार चल पैसा दिया है कुछ नहीं तो कुछ मिल रहा है, तो फिर 8-9 हज़ार में वहाँ पे लग जाते हैं और फिर वो करियर वहीं पे रुक जाता है। क्योंकि जॉब करके जॉब चेंज करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। जब तक आप फ्री हो तो एक नहीं एक दिन में 3 इंटरव्यू दे दोगे, लेकिन जॉब करके ना 1 महीने में 2 या 3 इंटरव्यू दोगे या नहीं भी दे पाओगे, वो डिपेंड करता है कि छुट्टी मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ये सबसे बड़ा टास्क होता हो जाता है कि जॉब करके जॉब सर्च करना या किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना। सो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप कहीं भी पैसा अगर फंसा रहे हो, कहीं भी कुछ दे रहे हो, तो पहले वो अच्छे तरीके से जान लें, अच्छी तरीके से कर लें, अदरवाइज वो पैसा आपका फंस जाएगा। वो जो कंसल्टेंसी ही दिलाते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा आपको कि पैसे देके कहीं जॉब के चक्कर में मत फंसो, आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करो, जॉब 100% मिलेगी। जॉब्स बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उस फील्ड का आपको टैलेंट होना चाहिए, जॉब्स बहुत हैं। लोग कहते हैं ना कि यार बेरोजगारी आ गई है बहुत ज़्यादा, ऐसी सारी चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, जॉब्स बहुत हैं और आने वाले दिनों में बहुत होने भी वाली हैं। तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि यार जॉब्स कम हो गई या जॉब्स मिलती नहीं, पहले अपने अंदर देखो कि मुझे आता क्या है, मैं कर क्या सकता हूँ, प्लेसमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर मैं क्या कर पाऊँगा, क्या ऐसी मेरे अंदर कैपेबिलिटी, ये सारी सोच के तब बोलो कि यार जॉब्स नहीं है, बेरोजगार बैठे। तो ऐसा ये सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा टैलेंट रखो, एक्स्ट्रा एफर्ट करो जॉब पाने के लिए। बहुत 32 तरीके होते हैं यार, किसी भी तरीके मिल जाती, बस बेसिकली कोशिश करो। दोस्तों फाइनली यही है कि आप पैसे देके जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप पैसे देके जॉब्स के लिए वहाँ पे जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फेक आपको मिल जाती हैं, जिससे आपका पैसा डूब जाता है और फंस जाता है। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स या क्वेरी है, नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।